अब विधानसभा में पदोन्नतियों और भर्तियों के नियम होंगे सख्त विधानसभा में भर्तियों और पदोन्नति को लेकर नियम सख्त बनाए जाएंगे जिससे विधानसभा की गरिमा बनी रहे यह बात स्पीकर रितु खंडूरी भूषण ने कही उन्होंने भर्ती की जांच पर सवाल उठाने वालों को हिदायत दी कहा कि विधानसभा की गरिमा के खिलाफ राजनीति बर्दाश्त नहीं करूंगी पेपर लीक की दागी आरएमएस कंपनी ने कराई थी विधानसभा भर्ती परीक्षा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा के पेपर लीक मामले में दागी आरएमएस कंपनी ने ही विधानसभा भर्ती परीक्षा कराई थी 32 वदों के लिए इसी साल मार्च में लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी हालांकि आरक्षण संबंधी याचिका पर हाईकोर्ट ने भर्ती परीक्षा स्थगित कर दी है वर्ष 2021 में विधानसभा में 32 पदों के लिए आर एम एस टेक्नो का चयन किया गया लेकिन चयन प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी की गई भर्ती परीक्षा का जिम्मा आर एम एस कंपनी को सौंपा गया 1 अक्टूबर 2021 को 32 पदों के लिए आवेदन मांगे गए 30 अक्टूबर आवेदन की अंतिम तिथि तय की गई जिसमें रिपोर्टर एड सिनल प्राइवेट एड सिनल प्राइवेट सेक्रेटरी रिव्यू ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंटेंट पद के लिए सैकड़ों युवाओं ने आवेदन किया 20 मार्च 2022 को इन पदों के लिए लिखित परीक्षा कराई गई थी इसी बीच भर्ती में आरक्षण रोस्टर निर्धारित न करने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया स्थगित करने के आदेश दिए जिससे इन पदों का परिणाम घोषित नहीं हुआ है सूत्रों के मुताबिक विधानसभा में बैकडोर भर्तियों की जांच के दौरान 32 पदों की भर्ती के लिए आरएमएस कंपनी का चयन करने का मामला सामने आया है नकल करने वाले बारह संदिग्ध दरोगाओं का चल गया पता पुलिस दरोगा सीरी भर्ती में हुई धांधली के मामले में विजिलेंस ने भी जांच तेज कर दी है दोस्तों ये 2015 की भर्ती के बारे में है तो विजिलेंस को 12 दरोगाओं के नाम मिले हैं जिनके नकल कर पास होने की आशंका है विजिलेंस जांच में यदि नकल की पुष्टि हुई तो इन दरोगाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा सकता है सूत्रों के मुताबिक एस की ओर से 10 से 12 संदिग्ध दरोगाओं की लिस्ट विजिलेंस को सौंपी गई है विजिलेंस अब संदिग्ध दरोगाओं की भूमिका की जांच में जुट गए हैं विजिलेंस की ओर से की जा रही 2015 के बैच के सीधी भर्ती दरोगाओं की जांच में कई दरोगाओं पर कार्यवाही होने की संभावना है भर्ती कपलों की सीबीआई जांच आई को सचिवालय कूच भर्ती कपलों की सीबीआई जांच समेत तमाम मांगों को लेकर एन एस यू आई कार्यकर्ताओं ने सोमवार को प्रदेश अध्यक्ष मोहन भंडारी के नेतृत्व में कांग्रेस भवन में से सचिवालय कूच किया पुलिस ने इनकम टैक्स किराए पर रोका तो उनसे कार्यकर्ताओं जम की जमकर धक्का मुक्की हो गई विधानसभा में विवादित भर्तियों की अंतरिम जांच रिपोर्ट सौंपी विधानसभा की विवादित भर्तियों की जांच के लिए गठित की गई समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष रितु भंडोड़ी को सौंप दी है सूत्रों के अनुसार समिति की ओर से सोमवार सुबह यह रिपोर्ट दी गई हालांकि विश्व अध्यक्ष खंडोरी ने रिपोर्ट मिलने से स्पष्ट इंकार कर दिया विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडोरी ने तीन सितंबर को जांच समिति गठित कर एक महीने के भीतर भर्तियों की जांच कर रिपोर्ट देने को कहा सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि सुबह समिति के अध्यक्ष कोटिया और सदस्य सुरेंद्र सिंह रावत पेंद्र सिंह नयाल ने यमुना कॉलोनी स्थित अध्यक्ष के सरकारी आवास पर जाकर अंतरिम रिपोर्ट सौंप दी है हालांकि समिति ने अभी पूरी रिपोर्ट नहीं भेजी है इधर स्पीकर खंडोरी ने कहा जांच के समय तीन अक्टूबर तक है जो सूत्रों का कहना है कि स्पीकर पार्टी हाई कमान से चर्चा के बाद मीडिया से मुताबिक होगी इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य के पद पदोन्नति से भरे राजकीय शिक्षक संघ का प्रतिनिधि मंडल सोमवार को कालादुंगी विधायक वंशीधर भगत से मिला शिक्षकों की समस्याओं से अवगत कराते हुए पदाधिकारियों ने पांच सूत्री मांग पत्र विधायक को सौंपा तो प्रधानाचार्य पद पर बेसिक शिक्षकों को करे शामिल राज्य प्राथमिक शिक्षक संगठन जिला नैनीताल ने राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य के पदों में होने जा रही सीधी भर्ती में बेसिक संवर्ग के शिक्षकों को भी शामिल किए जाने की मांगी भर्तियों व पदोन्नतियों के नियम होंगे सख्त विधानसभा में भर्तियों और पदोन्नतियों को लेकर नियम सख्त बनाए जाएंगे जिससे विधानसभा की गरिमा बनी रहे यह बात स्पीकर रितु खंडूरी भूषण ने कही उन्होंने भर्तियों की जांच पर सवाल उठाने वालों को हिदायत दी कहा कि विश्व की गरिमा के खिलाफ राजनीति बर्दाश्त नहीं करूँगी नर्सिंग पदों पर वर्षवार भर्ती की अड़चने शीघ्र होगी दूर अट्ठाईस पदों पर भर्ती के लिए नियमावली में किया जाएगा संशोधन प्रदेश में नर्सिंग पदों पर वर्षवार भर्ती की अड़चनों को सरकार जल्द दूर करेगी इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विभागीय अधिकारी को निर्देश दिए राजकीय चिकित्सालयों और मेडिकल कॉलेजों में स्टाफ नर्सों की भर्ती के लिए नियमावली में संशोधन भी किया जाएगा स्वांतरी ने कहा कि सरकारी अस्पतालों व मेडिकल कॉलेजों में स्टाफ नर्स के खाली अट्ठाईस पदों पर शीघ्र भर्ती करने के लिए संशोधित नियमावली तैयार की जाए प्रधानाचार्य के पदों पर सीधी भर्ती के बजाय मांगा प्रमोशन राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में, में प्रधानाचार्य के खाली पदों को भरने की चर्चा तेज हो गई है नियमतः पदोन्नति के बावजूद प्रधानाचार्य के पद खाली रहने की संभावना को देखते हुए शासन ने पचास प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती की बात कही है इच्छा सामग्री पहुंचाने को सेक्टर मजिस्ट्रेट हो तैनात लोक सेवा आयोग ने पारदर्शी परीक्षाएं कराने के लिए सरकार से कई सिफारिशें की आयोग ने परीक्षा सामग्री पहुंचाने के लिए अलग से सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात करने का सुझाव दिया आयोग ने परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से कराने के लिए सरकार से सिफारिश की कहा कि परीक्षा प्रभारी को विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट का अधिकार दिया जाएगा पदोन्नति में आरक्षण के बारे में क्या किया छह हफ्ते में बताया कोर्ट ने राजकीय सेवाओं में प्रमोशन मैं आरक्षण के लिए कैडर वाइजर बनाने के मामले में सरकार से छः हफ्ते के भीतर जवाब मांगा हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा कि वर्ष 2016 में सरकार को दी गई जस्टिस हसाद हुसैन की रिपोर्ट पर क्या निर्णय लिया गया मामले की अगली सुनवाई के 23 फरवरी 2023 को होगी सचिवालय अनुसूचित जाति एवं जनजाति कार्मिक संगठन के अध्यक्ष पाल सिंह ने संगठन की ओर से दायर याचिका पर मुख्य न्यायाधीश विपिन सांगी एवं न्यायमूर्ति आर सी खुल्वे की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई हुई याचिका में सुप्रीम कोर्ट के 28 जनवरी 2021 को जनरल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण केस का हवाला देते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिए थे कि राजकीय सेवा में राज्य सरकार प्रमोशन के आरक्षण के लिए अटरवाइज रोस्टर तैयार करे तो ये थी आज की जानकारी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद जय भारत